प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर फोर्थ, एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू पीएचपी। सर्वर साइड की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड से हमने एचटीएमएल को सीखा था और मैंने आपको एचटीएमएल अच्छी तरह से समझाई थी, ठीक है। तो पीएचपी को पढ़ने जा रहे हैं। पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको इसका जो फुल फॉर्म है, चाहे प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो या फिर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल लो, ठीक है। ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड में ये क्या काम करती है ये मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको HTML में मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना सिखाया था, ठीक है। इस तरह से लेबल्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं या फिर चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स है नहीं यहाँ पे, ये पिक्चर बॉक्स है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ों की जो डिज़ाइनिंग होती है, ये जो जहाँ पे हम डाटा को इनपुट करते हैं ऑनलाइन, तो ये सारा का सारा डिज़ाइनिंग का काम हम क्लाइंट साइड से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो थी HTML, ठीक है। HTML+1 में यूज़ की थी। और स्टाइलिंग का काम जो हम करते हैं वो करते हैं CSS से, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, ठीक है। डिज़ाइन बनाना, इसका लेआउट अच्छी तरह से एडजस्ट करना, ये सारा काम HTML और CSS से करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमने बना दी फील्ड्स, उन फील्ड्स के अंदर जो हमने डाटा इनपुट करना है, उस डाटा को ले जाने का काम जो है डेटाबेस तक, और डेटाबेस से दूसरे यूजर तक काम करती है हमारी PHP। ये PHP का काम है, ठीक है। इन फील्ड्स के अंदर डाटा भर दिया, जैसे सबमिट बटन क्लिक किया, तो PHP का जो कोड लिखा होगा वो क्या करेगा, इन सारी की सारी फील्ड्स का सारा डाटा उठाएगा और उसको अपलोड कर देगा हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस में जाएगा, फिर डेटाबेस से वो रीडायरेक्ट होकर किसी दूसरे यूजर के फोन या PC के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब हाल ही में चाइनीज एप्लीकेशंस बंद की हुई है, जिसमें टिकटॉक भी है, ठीक है। तो वो बंद इसलिए की है क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं, हमारा डाटा जा रहा है एक दूसरे को जा रहा है, लेकिन जो डेटाबेस है वो चाइना वालों का है। यानी कि डाटा पहले हमारे यहाँ से जाएगा चाइनीज डेटाबेस के अंदर, फिर चाइनीज डेटाबेस रीडायरेक्ट करेगा किसी दूसरे यूज़र के फ़ोन या लैपटॉप या PC के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमारे की सारा जो भी डाटा होगा वो तो उनके पास है। अब इस डेटाबेस के जरिए तो वो हमारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टील कर सकता है, हैक कर सकता है। तब करके ये जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं वो बंद की हुई हैं, क्योंकि ये जो डिबेट चला हुआ था अभी हाल ही में, तो उस करके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो इनपुट करेंगे वो करेंगे HTML और CSS से बनाई हुई फील्ड्स के जरिए, और डाटा जो हमारा अपलोड होगा या सेंड होगा वो जाएगा PHP के जरिए डेटाबेस के अंदर, और फिर डाटाबेस जो रीडायरेक्ट करेगा, यानी कि हम डाउनलोडिंग करेंगे तो दूसरे यूज़र के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगा, वो PHP का ही काम होगा, ठीक है। अब फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों को पता ही है, फील्ड्स वगैरह हम भरते हैं, सेंड करते हैं, डाटा जो है वो अपलोड होकर जाएगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चाहे वो फेसबुक है, चाहे हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी सेम पैसे है, हम जो भी डाटा भरते हैं पहले जाएगा वो डेटाबेस के अंदर, फिर डेटाबेस से जाएगा किसी दूसरे यूज़र के फ़ोन के अंदर, ठीक है। यहाँ से भेजेंगे दूसरे के ऊपर, जाएगा वो PHP के कोर्स के जरिए, लेकिन डिज़ाइनिंग और लेआउट का काम हम कैसे करेंगे, HTML और CSS से। HTML मैंने आपको सिखा दी थी, CSS मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और PHP जो मेन चैप्टर है इसका, यानी कि डाटा को अपलोड करना, डाटा को सेंड करना, और उसको फिर हम डाउनलोड भी करते हैं, ठीक है। ये काम रहेगा हमारा PHP का। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रीमवीवर, ड्रीमवीवर क्या है, ठीक है। तो ड्रीमवीवर भी मैंने आपको यूज करना +1 में ही सिखा दिया था कि ड्रीमवीवर का क्या काम रहेगा। वैसे तो हम कोड जो है वो सिंपल नोट पैड और वर्ड पैड के अंदर भी लिखते हैं, कि लेकिन जो फैसिलिटी हमें ड्रीम वीवर देता है वो उनके अंदर नहीं है, ठीक है। ड्रीम वीवर हमें एक रेडीमेड इन्वायरमेंट देता है, जिसके अंदर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट वाली एक फैसिलिटी भी है, फॉर्मेटिंग फीचर भी है, तो एक बढ़िया
सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो एरर्स रेट हैं उनको भी कम करता है। ठीक है, तो ड्रीमवीवर है क्या? एडोब ड्रीमवीवर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वेब एडिटर दैट अलाउस टू क्रिएट एंड एडिट HTML एंड XHTML वेब पेजेस। तो एडोब ड्रीमवीवर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको हम वेब एडिटर भी बोलते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और प्रोग्रामर्स के लिए एक वेब एडिटर है जो हमें अलाउ करता है क्रिएट और एडिट करना HTML और XHTML वेब पेजेस को। ठीक है, XHTML भी कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। इट हैज टू सी द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मेटिंग बाय कंसिडरिंग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाई स्विक, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इट कैन सपोर्ट CSS, JavaScript, PHP एंड ASP लैंग्वेज। अब देखो इसमें एक और फैसिलिटी है कि हम जो कोड लिखेंगे उस कोड का जो रिजल्ट है वो साथ साथ में हमें एक आउटपुट विंडो है इसकी वहां पे भी हमें दिखाता चलता है साथ साथ में, लेकिन इतनी ज्यादा उसकी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसमें हमारा काम चल पड़ता है। यानी कि हम आउटपुट भी ब्राउजर अगर हमने ऑन नहीं किया होगा तो ये अपने अंदर ही उस आउटपुट विंडो के अंदर हमें और अपना रिजल्ट दिखाएगा, हमारे आउटपुट का रिजल्ट जो भी होगा उसको दिखाएगा। इट कैन सपोर्ट CSS, JavaScript, PHP एंड ASP लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके अलावा PHP को तो ये सपोर्ट करता ही करता है, इसके अलावा ये CSS, JavaScript हो गई, ASP लैंग्वेज है, इनको भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एक वेब एडिटर है इसके अंदर हम कोड लिखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ड्रीमवीवर व्यूअर। ठीक है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर 8। ठीक है, यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू PHP। ये देखो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई, इन सबको ये सपोर्ट करता है। HTML, HTML, XHTML, CSS है, JavaScript, XML है, और डायनेमिक पेजेस जो है हमारे जावा सर्वर पेजेस भी हैं, जावास्क्रिप्ट पेजेस हैं, PHP है, इनको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये नया पेज लिया हमने, ये नीचे आउटपुट विंडो, यानी कि कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो PHP। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने का जो मेथड है मैंने आपको बताया था +1 में, दिस PC के अंदर सी ड्राइव के अंदर हमारे पास यहाँ पे फोल्डर रहेगा वैम्प, और वैम्प के अंदर www, और www के अंदर यहाँ पे फिर फाइल का नाम test25.php, मैंने नाम यहाँ पे test25 रख दिया। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये देखो यानी कि यहाँ पे जो हम चेंजेस करते चलेंगे वो चेंजेस जो है वो साथ साथ में नीचे भी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाली फैसिलिटी जो इसने दी हुई है के अंदर हमें ये रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये क्लिक किया, इसका जो कलर है जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड, ये देखो यहाँ पे साथ साथ में ये आउटपुट भी हमें देता चल रहा है। जो साइज है, जो साइज भी मैंने इंक्रीज कर दिया, सेव किया, क्लिक किया, और साथ साथ में आउटपुट विंडो में यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाली जो फैसिलिटी है इसके अंदर वहां पे मैं साथ साथ में आउटपुट भी नजर आ रही है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML, HTML और XHTML के बीच में क्या अंतर है। तो फर्स्ट डिफरेंस है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, और XHTML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इसका HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, इस टैग एंड एट्रीब्यूट कैन बी रिटन इन अपर एंड लोअर केस। कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब इसके जो कोड्स हैं उनको चाहे हम अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, डजेंट मैटर, जैसे मर्जी लिखो HTML में। लेकिन XHTML में XHTML इज केस सेंसिटिव, इस टैग्स एंड एट्रीब्यूट मस्ट बी इन लोअर केस, लेकिन XHTML जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है,
इसमें हमें जो भी कोड्स लिखने हैं, जो भी टैग्स लिखने हैं, वो सारे के सारे मस्ट बी इन लोअर केस में ही होंगे, ठीक है। तभी तो हम नोट पैड और वर्ड पैड के अंदर जैसे मर्जी लिख लेते हैं, HTML को चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, लेकिन ड्रीम वीवर के अंदर XHTML जो है वो केस सेंसिटिव होगी, वहां पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, HTML तो ठीक है यहाँ पे, साथ में XML और XHTML का भी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कोड के नाम, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, तो ये ऑटोमेटिक ही सारे के सारे देखो स्मॉल यानी कि लोअर केस में है। ऐसे लिखेंगे तब हमें ये बताएगा कि ये कोड जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि XHTML जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका, द टैग्स मे हैव एम्प्टी ओपन, फॉर एग्जाम्पल दैट इज जैसे BR है, P टैग है, ठीक है, ये इन टैग्स को बोल रहे हैं कि ये एम्प्टी रह सकते हैं, ओपन रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने यहाँ पे शुरू किया जैसे पी टैग, अगर XHTML में मान लो कि यहाँ पे लिख रहे हैं कोड, तो इसको नीचे बंद करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, जबकि HTML में इनको हम खुला रख सकते हैं, इन टैग्स को वहां पे हम इन टैग्स को खुला छोड़ सकते हैं, मतलब बंद करने की जरूरत नहीं है। जबकि XHTML में बट इन XHTML ऑल अनक्लोज टैग मस्ट बी क्लोज, नहीं तो ये एरर शो करता है, ठीक है। यहाँ पे अगला कोड लिखना शुरू कर देता है तो कर दें तो ये फिर हमें एरर प्रोड्यूस करता है प्रोग्राम नीचे कोड के अंदर, ठीक है। बना तो देगा ये, लेकिन उसके अंदर फिर वर्किंग वाला पंगा पड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि कोड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर। नेक्स्ट डिफरेंस है, दी एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बोल रहे हैं कि इसमें जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम इन एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे इनपुट लिखा टाइप है इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिखा तो उससे चेक बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यहाँ पे हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं सीधा चेक्ड। लेकिन XHTML के अंदर दी एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होंगी, ये एट्रीब्यूट वैल्यू इनको बोल रहे हैं एट्रीब्यूट वैल्यू, ये एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू है, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू है, यहाँ पे चेक बॉक्स। बोल रहे हैं कि अगर हम HTML में कोड लिख रहे हैं तो इन ये जो वैल्यूज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि XHTML के अंदर ये वैल्यूज है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो XHTML में हम इस कोड को फिर ऐसे लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ही चेक्ड लिखती है, यहाँ पे चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड लिखा हुआ है और वो भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। अब फिफ्थ इसका डिफरेंस है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ HTML। अब ये जो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी ही एडवांसमेंट है ये, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसकी एडवांसमेंट है HTML। जबकि XHTML जो है वो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ XML, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की एडवांसमेंट है, ठीक है। सिक्स इसका डिफरेंस है, HTML इज नॉट मैंडेटरी फॉर वन रूट एलिमेंट, बोल रहे हैं कि HTML जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है किसी रूट रूट एलिमेंट के लिए, जबकि XHTML जो है वो मैंडेटरी है रूट एलिमेंट के लिए। इस ये इनमें से कुछ एक डिफरेंसेस जो हैं आपको समझ आएंगे जब हम वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, रूट एलिमेंट क्या है और कैसे काम करेंगे, ठीक है, दो चार लाइंस में ये चीज़ें समझनी आएंगी। तो जैसे हम वेबसाइट को बनाने का काम शुरू करेंगे तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। अब सेवन्थ इसका डिफरेंस है, इट हैज़ नो हार्ड रूल ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, बोले कि इसमें कोई भी हार्ड इसके जो नियम है वो सख्त नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स जैसे पी टैग है बी टैग है जैसे मर्जी लिखो, इनको बंद करो चाहे खुला छोड़ दो ऐसे तब भी काम करेंगे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे इट हैज हार्ड रूल ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, यहाँ लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर है वो जो रूल्स हैं जैसे बने हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उनको हमें वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है। बी लिखा है बी को बंद करना है, पी लिखा है पी को बंद करना है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है यहाँ पे तो बंद किया हुआ है लेकिन बीच में बी जो है वो खुला ही है, ठीक है, इसको इसके बाद बंद कर दिया है, ठीक है। यानी कि
कुल मिलाकर जो XHTML है उसके अंदर बहुत सारा हमारे पास एक तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है जो हमारी वेबसाइट को इजीली बनाने में हेल्प करती है। तो ये था HTML और XHTML के बीच का डिफरेंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल हम थर्ड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।